कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने, नफरत फैलाने पर प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के चुप रहने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी जी के निर्देश अनुसार दरभंगा प्रमंडल कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं पुरुष दरभंगा टावर पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात धरना पर बैठे। धरना के दौरान सरकार मुर्दाबाद के नारे लगे। धरना को संबोधित करते हुए डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि 2014 के बाद मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के साथ इतनी नफरत क्यों? कभी सुल्ली डील्स, बुल्ली बाई ऐप से मुस्लिम लड़कियों को और महिलाओं को नीलामी लगाई जाती है और अब हिजाब। वैसे भी जब देश में चुनाव होता है भाजपा और आरएसएस के द्वारा नफरत की राजनीति शुरू होती है। हिजाब मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं का अधिकार है और संविधान यह अधिकार देता है कि वह क्या पहने और क्या न पहने। डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि ट्रिपल तलाक बिल लाने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए ट्रिपल तलाक बिल ला रहा हूं और जब अब हिजाब के मामले पर इतनी नफरत की राजनीति हो रही है तो वह मुंह बंद करके क्यों बैठी हैं? धरना में शामिल होने वालों में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी, कांग्रेस सेवा दल के जिला महासचिव फैसल इमाम, मीडिया प्रभारी अश्विनी कुमार, रमन झा, एहसान सिद्दीकी, नसीम अहमद, सोनी कुमारी, नुसरत परवीन, आयशा खान, फिजा परवीन, आफरीन रियाज कुरैशी, तबस्सुम परवीन, मोहम्मद नूर, साजिया शगुफ्ता सहित सैकड़ों महिलाएं और पुरुष शामिल थे। ये धर्म में भी इसका इम्पोर्टेंट, धर्म में पर्दा के उम्र कहा गया है, मजहब में इस्लाम में पर्दे की बात कही गई है, चेहरा छुपाने की बात की गई है, गैर मर्दों से अलग व्यक्ति हुआ है तो वो धार्मिक हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है वो, और उसी में अगर आ जाता है ये पर्दा भी की भी अहमियत हो जाती है। अब हिजाब से ही पर्दा हो, पर्दा तो किसी भी वस्त्र से कर सकते हैं, तो हिजाब कंपलसरी, और दूसरी चीज है कि पर्दा कंपलसरी, हिजाब कंपलसरी है, पर्दा कंपलसरी, पर्दा कंपलसरी है, जिसको हिजाब पहन करके लोग पर्दे में रहते हैं, पर्दा कंपलसरी है, हिजाब एक अलग बात होगी। ये तो एक इन लोगों ने, ये जो नागपुरिया जो संतरा सब है, आरएसएस वाला, बीजेपी वाला, ये लोग एक्सरसाइज है, ये चाहता है कि ना ही कोई काम किया, ना ही कोई विकास किया, तो इसी आज में देश के अंदर में जो शिकायत है, लोगों की भावनाओं को बढ़ावे, सांप्रदायिकता फैलावे, धर्मनिरपेक्षता को किनारे कर दे, संविधान को किनारे कर दे, लोगों की समस्याओं को किनारे कर दे, किसान की समस्याओं को, मजदूर की समस्याओं को, बेरोजगार और इसकी समस्याओं को, जवानों की समस्याओं को किनारे कर दिया इन्होंने। कई इस्लामिक देशों में हिजाब जो है सो मतलब बैन किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? जहाँ किया गया वहाँ किया होगा, लेकिन इसके पहले भी सरकारें थी ना, 14 से पहले भी इस देश में सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी या जो भी सरकार थी, किसी ने बैन नहीं किया। ये 14 के बाद ही ये सब शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक ड्रेस कोड ये कहाँ से आप देखते हैं? धार्मिक ड्रेस कोड नहीं हुआ, ये पर्दा हुआ। मेरा सवाल ये है कि हिजाब के मुद्दे को लेकर के आज कांग्रेस कमेटी दरभंगा धरना पर बैठी, क्या धार्मिक संस्थानों में ड्रेस कोड, सॉरी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, ये सोच लेकर के बैठी है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा ये कहना है कि आप अगर देखिएगा, अगर गौर कीजिएगा, आप लोग मीडिया वाले हैं, जाइए कॉलेजों में, आप कई मुस्लिम लड़कियां उसी कलर का, उसी जो ड्रेस कोड होता है, उसी सलवार सूट पहन के घूम रही है। लेकिन अगर हिजाब को समझना, अगर हिजाब होता है चेहरे को ढकना, अगर कोई महिला, कोई लड़की अगर किसी कॉलेज में पढ़ती है, किसी शैक्षणिक संस्था में जाती है, अगर उसका मानना कि मैं रोड पर से अगर कॉलेज में इंटर करूं, नकाब पहन के करूंगा, क्लास में जाने से पहले मैं उतार लूं, हिजाब सिर्फ मेरे चेहरे पर, इसे आपत्ति क्या? ड्रेस कोड तो आपको चलेगा ही, इसको जबरदस्ती इशू बनाया जा रहा है, इसको दरअसल डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरे मुद्दों। क्यों आप लोग, आप लोग कई शैक्षणिक संस्था में गए होंगे, क्यों आपको यहाँ दरभंगा में नहीं दिखता कि लोग ड्रेस कोड फॉलो करती है कि नहीं करती है? नहीं, मेरा देखिए, एक मैं मुस्लिम बेटी को भगवा वस्त्र धारण करके सैकड़ों लड़के ने जो है सो उसको जो है सो तंग किया, मतलब आपत्तिजनक थी वो, दृश्य आपत्तिजनक था। लेकिन क्या शैक्षणिक संस्थान को अब इस देश में धार्मिक संस्थान बनाने का उद्देश्य हो गया? कभी हिजाब, कभी भगवा, और उसी में देखा गया कि भीमराव अंबेडकर के सेवा संस्थान के द्वारा भी जय भीम का नारा लगा कर्नाटक के कॉलेज में। ये शुरुआत किसने किया? अगर आप इसके तह में जाइएगा, आरएसएस ने इस प्रोपेगेंडा को फैलाया 2014 से पहले, क्या हिजाब अभी लगा के लोग लड़कियां जा रही है? क्या उससे पहले के लोग नहीं जा रहे थे? ये समझना होगा ना कि 2014 के बाद इस तरह की राजनीति क्यों शुरू हो गई? अगर वो पहन के हिजाब जाती, कोई नया चीज अगर उतरती, तब आप बोलते। हिजाब तो सदियों से
सैकड़ों सालों से लड़कियां पहन के अपने आप को आ रही हैं, आज उस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। उन्होंने पहन के आया, उसके पास एक राजनीति चाहिए, क्योंकि 5 स्टेट में चुनाव, तो मुद्दा तो कुछ चाहिए ना ध्रुवीकरण के लिए, ध्रुवीकरण किया जा रहा है, चुनाव के लेकर के ये ध्रुवीकरण है। बिल्कुल, इस मामले पर मोदी जी और अमित शाह का मुंह क्यों नहीं खुलता, जब ट्रिपल तलाक पे मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलवा रहे थे ट्रिपल तलाक बिल ला के, आज मुस्लिम बहनें नजर नहीं आ रही, मुस्लिम बेटियां नजर नहीं आ रही है। अच्छा, कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला दिया है कि जब तक आगे कोई फैसला नहीं आएगा तब तक किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक ड्रेस कोड पहन के जाना अलाउ नहीं होगा, इसको किस तरह आप उसको धार्मिक ड्रेस कोड भी मानते हैं? ये राजनेता कहते हैं ना, ना, ये धार्मिक से क्या, क्यों आज हमारी हिंदू कई बहने हैं जो 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 हिजाब का यूज नहीं करते, आपने दुपट्टा नहीं दिखाया उनको बांधते, वही तो एक तरह से हिजाब है ना, इसको धार्मिक ड्रेस कोड कहाँ से मांगे? भगवा क्यों धार्मिक ड्रेस कोड, भगवा कैसे धार्मिक ड्रेस कोड हो गया? भगवा धार्मिक ड्रेस कोड नहीं हुआ, भगवा को ये लोग अपने आरएसएस का एक पट्टा लेके घूमते हैं, वो ड्रेस कोड धार्मिक कहाँ से होगा? किसी धर्म का कोई एक कलर थोड़े ही है। आप अगर भगवा की बात की जाए तो कई ऐसे मजार है जिसमें भगवा चादर चढ़ता है, हमारे तिरंगा में भगवा हरा उजला तीनों है, धार्मिक ड्रेस कोड का, लेकिन उसको आप टारगेट कर रहे हैं कि नहीं ये हिजाब पहन के आ रही है तो हम भगवा पट्टा गमछा डाल के दिखाना चाह रहे हैं, ये गलत है। यानी आप इस तरह आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बेटियों को जो भी अपने सुरक्षा के लिए जो भी वस्त्र पहन के जाना चाहिए उनको अलाउ करना चाहिए? बिल्कुल, कॉलेज में लड़कियों का बयान आपने सुना होगा कि मैं कॉलेज कैंपस के अंदर तक क्लास रूम जाने से पहले मैं खोल कर अपने बैग में रख देती हूँ, इस पर मामला क्या? लेकिन ये समझिए ना, 14 के बाद भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद ये टारगेटेड पॉलिटिक्स क्यों शुरू हुआ? इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।